हाय, मेरा नाम विवेक है। ये दो चीजें मैंने काफी देखा है कि स्कूल में यूज होती है, जो कि है स्टिकी नोट्स एंड स्केच पेन्स। इनका यूजेज मैं ज्यादातर बच्चों को अपने फीलिंग्स, कोई कोई बच्चे होते हैं वो शेयर नहीं कर पाते लार्ज ग्रुप में, तो वो स्केच पेन थ्रू अपने शीट्स में ड्रॉ कर पाते हैं। एंड स्टिकी नोट्स का यूजेज यही होता है कि जैसे हमारे फैसिलिटर्स कोई स्कूल में जा रहे हो सेशन लेने के लिए, तो वो पहला अपने स्टूडेंट्स का एक चेक इन लेते स्मॉल कि आप इस एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए आपकी एनर्जी कितनी है। वो उनके फिंगर शो करते हैं 1 to 10 से, एंड जितना भी नंबर हो वो उन स्टिकी नोट्स में बच्चे जो लिख सकते हैं, एंड वो हार्ट शेप का जो उनका एक वेलकमिंग चार्ट होता है उधर वो स्टिक कर देते। तो ये दो चीज़ें मैंने काफ़ी देखा है कि स्कूल में यूज़ होते हुए। टीम के कई बार मतलब कुछ सेशंस होते हैं, टीम मीटिंग्स होते हैं, टीम गैदरिंग होती है, वहाँ पर उनका शॉर्टेज की वजह से कुछ एक्टिविटीज है उनको मतलब किसी और वे में लेने की जरूरत पड़ जाती है, ना कि हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर ड्रॉप कर सकते हैं। वो 1-on-1 कम्युनिकेशन में ही वो सब बातें करनी पड़ती है, जिनमें ज़्यादातर लोग कोई कंफर्टेबल होते नहीं होते, तो